राजस्थान के जयपुर में हिजाब को लेकर एक बार फिर से हिंसा भड़कने को है। राजस्थान के भगवाधारी बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार की अब मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जयपुर के मुस्लिम बाहुल्य हवा महल विधानसभा से विधायक के खिलाफ अब मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं ने अपने परिजनों के साथ सुभाष चौक पुलिस थाने का घेराव भी किया। छात्राओं ने स्कूल में लगे धार्मिक नारों को लेकर के भी प्रदर्शन किया। बता दें कि जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी विधायक ने स्कूल में आकर हिजाब को लेकर बातें कही। यही नहीं, धार्मिक नारे भी लगवाए जो कि हमें कतई मंजूर नहीं है। छात्राओं का कहना है कि शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्राओं के थाने के घेराव के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने लगे, लेकिन आक्रोशित छात्राओं का कहना था कि जब तक विधायक बाल मुकुंदाचार पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक प्रदर्शन बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ विधायक बाल मुकुंदाचार ने इस मामले को लेकर अपनी राय मीडिया के सामने रख दी। बीजेपी विधायक का कहना है कि सरकारी कार्यक्रम में मुझे दो तरह की यूनिफॉर्म में स्कूली बच्चे नजर आ रहे थे। पूछने पर महिला प्रिंसिपल ने बताया कि मुस्लिम छात्राएं अपने धर्म के हिसाब से कपड़े पहनकर आती हैं। इसी को लेकर मैंने कहा कि फिर हिंदू बच्चे भी अलग अलग रूप में आएंगे तो कैसा लगेगा। अगर स्कूल में ही अनुशासन नहीं होगा तो क्या मतलब। लेकिन अब कुछ लोग मेरे भाषण को लेकर राजनीति पर उतर आए हैं। आप भी सुनिए आचार्य बाल मुकुंद का क्या कुछ और भी कहना है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने माहौल बनाया है। बच्चियों से अच्छे खासे मिला हूँ, बात की हमने, मोदी जी की योजनाओं की बात की, सुकन्या योजना की बात की, स्टडी के बारे में बात की है। बच्चियों ने मुझे पत्र दिया है कि हमारे को यही आवश्यकता है, कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, कुछ बुक्स की आवश्यकता है, कुछ लैब की आवश्यकता है। मैं बच्चियों से मिला हूँ बहुत अच्छे से और उनसे बात की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं है, उन लोगों ने जानबूझ के, पता नहीं वो बच्चियाँ वहाँ की है भी कि नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसा माहौल बनाया है। बाकी सच्चाई यह है, गणतंत्र दिवस हो, बसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम स्कूल के 15 अगस्त से दो दिन पहले दूसरी ड्रेस में चले जाते थे, इसलिए कि उस दिन ड्रेस धुली हुई प्रेस की हुई तैयार पहन के आनी है हमें, 15 अगस्त का दिन है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं? ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिससे मैं अध्ययन चलेगा उस समय स्कूलों में नवाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया, तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे? ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्यक समाज के फिर बच्चे हैं, उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों, हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरी ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापक अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आएँ। माँ सरस्वती का मंदिर है, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं लत्थी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे साहब, अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? आप महंत भी है और आप भाजपा की विधायक भी है, सरकार भी आपकी है, आप स्कूल में होकर आए, आपको लगा कि दो ड्रेस कोड चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब स्कूलों में जो बुर्का है या हिजाब है वो बच्चियां पहन कर ना आए, ऐसा नियम बने आपकी सरकार? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है। स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता अभिभावकों को समझाए। आप सोचें, इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें, दो प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहाँ साहब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो, फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो,
फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता है, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है। लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है, वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। सरकार पालन करवाएगी क्या, मेन बात यही है। ये चर्चा हुई है, किसी ने उठाई है ये, मैंने तो प्रशासन को, मतलब स्कूल प्रशासन को ही कहा है। अब उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया है तो हम निवेदन करेंगे कि ठीक है, ड्रेस कोड होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी करेंगे, बिल्कुल करूंगा साहब, मैं निवेदन करूंगा सभी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। क्यों दो बात करते हो, क्यों बच्चों में मतभेद डालना चाहते हो? मतलब स्कूल में अब हिजाब पहनकर ना आए, ये आप स्कूल ड्रेस में आवे, मैं कह रहा हूँ बच्चे स्कूल ड्रेस में आवे, स्कूल ड्रेस क्या है उसी में आवे, मदरसे का ड्रेस है मदरसे में, मदरसे की ड्रेस में जावे, स्कूल ड्रेस, स्कूल जो कोड बना स्कूल की ड्रेस में ही आवे। कुल मिलाकर कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब को लेकर जिस तरह से हवा फैली थी, हिंसक हवा, वही हवा अब राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।